स्टेट टीम की टीम पहुंची है आज सागर जिले के खुरई विधानसभा क्षेत्र में। खुरई विधानसभा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह विधानसभा क्षेत्र है। आखिर इस 5 साल में कितना हुआ विकास, जनता के जो वादे किए थे कितने आखिर पूरे हुए, हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिर वो अपने विधायक के बारे में क्या सोचती है और आने वाले समय में क्या और विकास की संभावना है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं सीधे जनता के बीच। काम तो खूब हो रहा है, भूपेंद्र सिंह ने खूब काम करा रहा है। अच्छा, काम ही काम बंद नहीं है, काम ही काम चालू है, हर चीज़ सुविधा है खड़े में। वो का जाना मोड़ा है विजय बैठे आराम कर रहे छान बनो तो करा विकास बहुत करा जो है। उनके काम से खुश है सब सुविधा है हम लोगों को, बस भाई सुविधा नहीं है हम लोगों की, जारी बन रही है धर्मशाला, वो सब सुविधा है हम लोगों को, खूब दे रहा है हम लोगों को, खारी दे रहा है। बहुत खुश हैं हम भूपेंद्र भैया से, हर एक क्षेत्र में विकास करवाए हैं, आगे भी ऐसा भी लगता है मुझे कि बस विकास करते रहेंगे। क्या लगता है कि जो आपके विधायक हैं भूपेंद्र सिंह उनने कितना काम किया? हमारे तो कुछ नहीं किया। कौन सा गाँव है? महुना का, इसमें कुछ नहीं किया। क्या समस्या है आपकी? समस्या रोड की समस्या है, प्लाट नहीं मिले, पट्टे नहीं मिले, कुटी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हम लोग का चलाट बन जाते हैं, कुछ नहीं मिला। कितना विकास हुआ है? 100% तो हमें ही विकास कौन कह रहा है? तो ऐसा नहीं, भूपेंद्र सिंह ने सब जगह की, ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है जहां मुआवजा का नहीं बटा हो, और ऐसा कोई ग्रामीण क्षेत्र जहां रोड ना बना हो, पानी की कमी भी नहीं है। भाई अकेले गया रहे कितने काम हुए? काम बहुत हुए, गार्डन बन गए, मंदिर बन गया, विकास हो रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, कोई उद्योग अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो यहाँ पे गंगा बहती है, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही हैं विकास के मामले में। तो अब रोजगार नहीं है, बच्चों का पालन कायम करें, आपने पूरी सुविधा दे दी, उन्हें राह कह रहे छत के नीचे राह कह रहे, जो बेरोजगारी है रोजगार की आवश्यकता है मेरे लिए, और कुछ नहीं, रहने को है, शौचालय है, रोड है, रोड गुंडागिरी खत्म हुई, सब खत्म, केवल मेरे लिए तो रोजगार चाहिए। मंदिर गुंडागिरी खत्म, शहर विकास भी बहुत दिया है, रोड बने, गार्डन बने, मंदिर बने, हर समाज को नतीजा है कुछ ना कुछ। क्या लग रहा है, कैसा रहा काम? बहुत बढ़िया, एक नंबर, मंत्री हो तो भूपेंद्र जी सर। और क्या कुछ और चाहते हैं कि और बड़ा कुछ? नहीं, अब यही चाहते हैं कि मंत्री यही बनो रहा मैं करें, हर बार हर पंचवर्षीय मंत्री जाने हम लोगों। कहता है वोटर में अब तक हमने जाना जनता की राय कि आखिर जनता क्या मानती है कि कितना इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ और आने वाले समय में क्या कुछ उनकी और उम्मीदें हैं। अब हम उन लोगों के पास हैं जिनकी जिम्मेदारी इलाके के विकास की होती है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, उनसे सीधा जान लेते हैं कि आखिर कितना विकास हुआ। क्या लगता है वैसे कितना विकास हुआ आपके विधानसभा? 100% हुआ है विकास इतना अधिक हुआ है जो 50 साल में नहीं होता, जो अभी भूपेंद्र भैया ने किया है। आप बताइए कि वो कह रहे हैं कि 100% विकास हो गया इस इलाके का। अब 100% तो पूरे देश में कोई भी क्षेत्र में नहीं हुआ अभी तक, 100% तो कभी ना होता है, कमियां तो हैं, विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, चलते रहता है, 50 साल में भी हुआ है। क्या लगता है आपके हिसाब से क्या बड़ी समस्या है इलाके की? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, जो अभी तक कोई किसी भी एक भी व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ। लंबे समय से सरकार है, क्या अब इसके बारे में प्लान है? नहीं, रोजगार के कैसा नहीं मिला है, रोजगार होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिला है। क्या लगता है रोजगार के लिए क्या कुछ होना चाहिए सर? यहाँ पे प्रायः सभी के पास रोजगार है, जरूरी नहीं है कि सभी के पास सरकारी रोजगार हो। भैया के विकास के माध्यम से यहाँ के विधानसभा का हर एक आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्य से जुड़ के यहाँ से लाभ प्राप्त कर रहा है।
कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े, उनसे हम जान लेते हैं क्या कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ युवा कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोगों के लिए रोजगार के अवसर हैं? रोजगार क्यों नहीं मिला है? जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मैं बाहर रहता था इंदौर में, मुझे रोजगार मिला है, सभी को रोजगार मिला है, क्योंकि जो विकास कार्य खुरई में हो रहे हैं, माननीय मंत्री जी जो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज़्यादा आवास अगर मिले तो हमारे खुरई क्षेत्र में मिले, उसके द्वारा जो विकास हो रहे हैं, इतनी सीमेंट की लोहे की दुकान, पहले गिनी चुनी 4 से 5 दुकानें थी, आज कम से कम 400 से 500 दुकानें शहर के अंदर हैं। और बात करें अगर मजदूर वर्ग की, तो मजदूर वर्ग पहले घर में बैठे रहते थे क्योंकि विकास नहीं होता था, गिने चुने घर बनते थे, लेकिन आज अनगिनत घर बन रहे हैं, उसकी वजह से हमारे मजदूरों के भी रेट बढ़े हैं, और हम जैसे युवाओं को भी, हमने भी दुकानें खोल के बैठे तो हमें भी रोजगार मिला है, तो रोजगार तो मिला है। मंत्री, प्रधानमंत्री भी स्वरोजगार की बात करते हैं, क्या लगता है इस इलाके में स्वरोजगार को लेकर युवा कितना जागरूक है? स्किल ऑफ इंडिया के माध्यम से माननीय भूपेन भैया अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। क्या लगता है उससे युवाओं को फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो बिल्कुल, देखिए कुछ और कांग्रेसी मित्र उनसे जान लेंगे, वो कह रहे हैं कि ठीक है सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन स्वरोजगार के साधन तो उपलब्ध हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं हो रहे हैं जी। कौन से स्वरोजगार भाई, किसको नौकरी मिली बताइए। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए इस इलाके में, कैसे विकास होगा और कैसे जो रोजगार है वो कैसे मिलेगा, आपको क्या लगता है? नहीं, सबसे पहले तो युवाओं के लिए रोजगार देना बहुत आवश्यक है, ये सबसे बढ़िया मुद्दा है, ये रोजगार जरूरी हो, धंधा वगैरह खोला जाए जिससे लोग बाग रहे। अब ये तो कुछ लोगों को रेवड़ी बांटी जा रही है, वो भी चीन चीन की रेवड़ी बांटी जा रही है, आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। ये सोच जो है ओछी सोच है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बीजेपी का हो अथवा विरोधी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, पहले वो ये बताएं कि जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक जितना विकास हुआ है, वो मैं ये कहता हूँ, मैं भी 67-68 वर्ष का हो चुका हूँ, पहली बार खुरई के अंदर कोई मिनिस्टर बना माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने, जो विकास किया है वो अद्भुत है, किसी ने कल्पना ना की होगी। हालांकि उनकी सोच ये है, वो अभी कह रहे हैं कि अभी तो एक मेरा एक ट्रेलर टाइप का है, इतना विकास और वो आगे करा के दे रहे हैं खुरई के लिए कि शायद हर आदमी के मुँह से ये निकलेगा, ना ऐसा विकास कभी हुआ, ना कोई कर पाएगा, ना किसी में करने की क्षमता थी जो किया है। मेरा में जनता के बीच में अभी था, जनता ये कह रही थी ग्रामीण इलाके से थे कि खुरई का विकास तो हुआ लेकिन गांव में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? गांव में ग्रामीण क्षेत्र की मैं बताऊं, आप विगत 50 वर्षों से एक बीना नदी परियोजना जो पेंडिंग पड़ी थी, जो हमारे माननीय मंत्री जी लेके आए, तो बीना नदी परियोजना से हमारे किसान भाई, चूंकि खुरई एक कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ की 90% आबादी खेती का कार्य करती है, तो बीना नदी परियोजना से अब किसान 3-3 फसलें लेगा। अगर किसान के पास आय अधिक होगी तो वो संपन्नता की ओर जाएगा। अब हर मतलब ये नहीं है रोजगार का कि सबको सरकारी नौकरी दे दी जाए, लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि जो ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए था, वो गांव वाले कह रहे हैं कि खुरई शहर में तो हो गया लेकिन गांव में नहीं हो पा रहा है। नहीं, गांव विकास हुआ है, माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई गांव बाकी नहीं रखा विधानसभा का कि जहां विकास नहीं हुआ हो। ग्रामीण क्षेत्र में जो आज प्रधानमंत्री रोड की सड़कें हैं वे सब टूटी डली हैं, नलों में पानी नहीं आ रहा है, नल लगे हैं, टंकी बनी है, सोपीस है। आज अपन देखें, हमारे साथ चले, हमारा खुद का गांव है, सभी के लोग गांववासी है, तो 80% नलों में पानी नहीं आ रहा है, 90% नल जल योजना फेल है, 90% गांव में विकास चल के देखो, 90% नल जल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा हो, कहूँ पाइप नहीं है तो कहूँ नल लगे, तो कहूँ टोटी है अकेली, कहूँ टंकी है तो कहूँ मोटर नहीं है, चल के देखो आप रोड, चल के देखो विकास का कहा, विकास नहीं जाना तो पहुँचाना रोजगार युवाओं को। तो आप लोगों को क्या लगता है कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आती है इस चुनाव में आपको? कांग्रेस तो कहीं नहीं है, हमारे यहाँ जयपुर पे है, साफ है। अच्छा, हमारे यहाँ उल्लन देहात का बोल रहा है, आप लोग देहात में ये है, खुरई विधानसभा खुरई तहसील एक थी, उन्होंने 4 तहसीलें बनवा दी, बांदरी बरौदिया मालथोन खुरई है, जब 4 तहसीलें बनेंगी 4 नगर पालिकाएं बनेंगी, कितना विकास होगा, विकास की तो कोई सीमा नहीं है। जब आपके अंदर एजुकेशन कुछ होगी नहीं, पढ़े लिखे आप होंगे नहीं, तो कहाँ से आपको वो मिले? अगर अगर आदमी कुछ आदमी ये कह देंगे हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के मिला के 10,000 रुपया तो मिल रहा हमारे क्षेत्र के आदमी के लिए। लेकिन आपने शिक्षा की बात की, क्या लगता है कि शिक्षा के पर्याप्त अवसर हैं इस इलाके में? बिल्कुल जी, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में भी कोर्स बढ़ाने का काम किया है, सीटें बढ़ाने का काम भी किया है, और इसमें पॉलिटेक्निक में भी किया है,
एक सवाल जो मैंने उनसे पूछा वो आपसे भी पूछूंगा कि कांग्रेस अपने आप को इस चुनाव में कहाँ खड़ा पा रही है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, खुरई में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आगामी समय में 2023 में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनेगी। और जो जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी, जो इन्होंने छलबल धनबल से सरकार गिराई है, जनता उसका बदला जरूर लेगी। लेकिन अब वो विकास की बात कर रहे हैं कि तमाम विकास हुए हैं क्या? हाँ जी भैया, कह रहा सिलेंडर है, सिलेंडर दे, भरा नहीं पा रहा सिलेंडर, बेच रहा है। तो आपकी सरकार आई, आपने तो ऐलान कर दिया कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, कर्वे हुए तो दिया जाएगा, बोल नहीं दिया, 1500 रुपए दिए जाएंगे और उसमें कोई पात्रता नहीं रहेगी, सारी बहनों के लिए, सारी माताओं के लिए 1500 रुपए आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी है। और नारी सम्मान क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली बहना का उसमें तो पात्रता रखी, कांग्रेस पार्टी ने किसी कोई पात्रता नहीं रखी, सारी महिलाओं के लिए 1500 रुपए पर महीने मिलेंगे, 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, किसानों की 2 लाख रुपए माफ होंगे। आज किसानों की कृषि क्षेत्र है, पिछली बार भी हुए थे लेकिन अल्प समय में सरकार गिर गई, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, जे विधानसभा में कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है। पहले तो कांग्रेसी मित्र भाइयों से ये पूछे कि मसूर से लेके चना तक, सनोरा, हर्च, मूंग, पूरी चीज़ खरीदी हो रही, और खाद की बता दें मैं कि मध्य प्रदेश में जितना खाद आया शायद भारत में उस विधानसभा में नहीं, विधानसभा मध्य प्रदेश पूरे में जो आया है वो किसी देश में नहीं आया, प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में आया वो मध्य प्रदेश में खुरई में सबसे ज़्यादा आया है। तो खाद के लिए आरोप क्यों, आरोप ये क्या है, उनके पास कोई काम है नहीं, ना कपड़े न लत्ते, बीच में सोएंगे, ये कहानी है कांग्रेस की है। क्या है कांग्रेस वाले बोल रहे, क्या है आपको बताएं, ना कभी जीवन में 60 साल ने विकास किया है, जाति वर्गों में बांटती रही, अहरवार को अलग, मुस्लिमों को अलग, राजपूत, ठाकुर, बामन, इन वर्गों में बांटती रही और ये राज करती रही, क्योंकि अब अटल बिहारी वाजपेयी से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी शिक्षित पार्टी बन गई है, तो घर घर जाके बताती है, तो मुस्लिम भाई भी हम लोगों को वोट देते, अहरवार भाई भी वोट देते, सभी वर्ग हम लोगों को वोट देते हैं, तब वो चीज़ इनको इनके हाथ से खिसक गई है, तो इनके लिए कुछ नहीं देगा, जैसे मछली होती है पानी में छटपट आती, अब इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, तो मंच अकेले झूठ बोलने का एक पुलंदा है, इनके पास जमीन पे वास्तव में कुछ नहीं है। अभी जो बड़ी मंडी बन गई है आप देख के आना, अच्छी बड़ी मंडी बनी है, तो उसमें वो मंडी भी छोटी पड़ रही है, किसानों का उत्पादन इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो तो कह रहा है कि MSP तो मिल ही नहीं रहा है, कांग्रेस कह रहा है MSP मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने अपने खुद अपना 30 बोरा चना बेच के MSP में अभी 4 दिन पहले। कांग्रेस इस तरह के आरोप क्यों लगाती है? कांग्रेस का लगाने मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है, और उनको आरोप लगाने का कोई इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, और सिर्फ आरोप ही आरोप। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं केवल आरोप लगाने के सिवा आप लोगों के पास कुछ नहीं, इसलिए सर इस तरह के आरोप लगाते हैं आप? अरे भाई साहब देख सुनिए, जो MSP की जो बात कर रहे हैं, MSP पे कितना सरकारी खरीद में कितना अनाज बिकता है, केवल 6% अनाज, बाकी तो मंडी में बिक रहा है, तो मंडी में किसी भी एक किसान के पास पर्ची हो अगर कि वो MSP के रेट के बराबर ज़्यादा, तो छोड़ो एक भी अनाज की एक भी पर्ची हो किसी के पास तो वो दिखा दें। MSP पे जो सरकारी खरीद हो रही है वो ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है, उसमें हो रही खरीदी, लेकिन आज वो समर्थन मूल्य पर लेकिन उसमें कितना सा हो रहा है, कुल उत्पादन का 6% मंडी की अगर बड़ी बात तो ये कांग्रेस की देन है। बुंदेलखंड पैकेज में जो मंडी बनी, आज जो टंकियां बनी बुंदेलखंड पैकेज में, कांग्रेस की देन है। BJP ने तो केवल अपना पोस्टर लगाया है, पोस्टर और उद्घाटन किया, पीता काटा, विकास की बात, विकास सही, आगामी 23 की विधानसभा चुनाव में समझ में आ जाएगा आपको क्या विकास हुआ है पूरे मध्य प्रदेश का। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो जो एक जी बिल्कुल ये वो ये कह रहे हैं कि जो विकास कार्य आप गिना रहे हो ये बुंदेलखंड पैकेज के तहत मिले, कांग्रेस की सरकार में मिले, आप लोग तो अपना फोटो छाप रहे हो। 60 साल से कांग्रेस ने विकास किया ही नहीं है, हमारे भूपेंद्र भैया ने समग्र विकास खुरई विधानसभा में किया है। आप मालथोन में जाके देखिए, कॉलेज बनाया है उसमें 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं,
कांग्रेस ने तो कभी कॉलेज बनाए नहीं, स्कूल बनाए नहीं, उन ये झूठे आरोप लगाते रहते हैं। मंदिर बनाने से, कोई किले में दीवारें पोतने से, हाईलाइट मास्क लगाने से विकास हो जाता है क्या? इसी को विकास कहते हैं? अगर इनकी विकास की परिभाषा यही है, अगर बीजेपी की विकास की परिभाषा ये, तो मैं उस विकास को धिक्कारता हूँ। अगर ये विकास की परिभाषा है तो, और हमारे साथी ने जो क्या बोला आपने, एमएसपी का फुल फॉर्म बताइए, मैं एमएसपी का फुल फॉर्म बता रहा हूँ। मैं बताऊँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसका, सुनिए मेरी बात। और बात ये नहीं है किसका फुल फॉर्म क्या होता है, जब बात ये है उसको समर्थन मूल्य पे किसान को अपनी उपज का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस के शासन काल में पूरे पूरे किसान डिफाल्टर हुए, अब जाके शिवराज सिंह मम्मा की सरकार ने कहा है कि हम किसानों का ब्याज माफ करेंगे। कमलनाथ की सरकार में सारे किसान डिफाल्टर हो गए थे। ये है खुरई की जनता, जिनकी अपनी अपनी राय है, हर कोई विकास की बात कर रहा है। विपक्ष जो है वो लगातार आरोप भी लगा रहा है कि जो विकास है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय का जो विकास था उस पर है, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस इलाके में समुचित विकास हुआ है। हालांकि रोजगार की जरूर थोड़ी समस्या है, लेकिन स्वरोजगार की तरफ ये पूरा विधानसभा क्षेत्र बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में यहाँ की जनता आखिर किसके साथ होगी। कहता है वोटर की टीम पहुंची है सागर जिले के खुरई विधानसभा में। आखिर खुरई विधानसभा में कितना विकास हुआ ये हमने आपको कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया। अब हम स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से बात कराते हैं, जो यहां से स्थानीय विधायक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या जो पिछले चुनाव में वादे जनता से किए थे उन पर कितने खरे आप उतर पाए, अपने स्तर पर क्या मानते हैं? देखिए, पिछले चुनाव में हमने पहले तो कोई वादा किया नहीं था, पर जो काम हुए हैं वो काम अपेक्षा से ज़्यादा काम हुए हैं, और जनता भी इस बात को कहती है कि जिस विकास की कल्पना खुरई की जनता ने नहीं की थी, वो विकास खुरई में मात्र 7 वर्ष में हुआ है। हमें कुल 7 वर्ष का काम करने का समय मिला है, और आज जितनी भी बड़ी उपलब्धियां हैं वो हमारे इन 7 वर्षों की उपलब्धियां हैं। हमारे खुरई की जीवन रेखा जो है, जिससे आर्थिक क्रांति आएगी, बीना नदी परियोजना हमने स्वीकृत कराई 4,000 करोड़ की, और वो बीना नदी परियोजना लगभग 80% काम उसका, 70% काम हो गया, और अगले साल तक किसानों के खेत में उससे बीना नदी परियोजना, हमारी बंडा नदी परियोजना और अनोटा बांध, इनसे मिला के हमारा जो खुरई विधानसभा है वो 100% एरीगेटेड हो जाएगा। फिर खुरई हमारा कृषि के क्षेत्र में पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ पर कृषि महाविद्यालय भी प्रारंभ हुआ, हमने कराया, स्वीकृत कराया। गरीबों के सबसे ज़्यादा आवास अगर बने हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो वह हमारे खुरई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गरीबों के आवास बनने का काम हुआ है। जितनी हमारी मुख्य सड़कें थी वो सारी सड़कें इन वर्षों में हमने बनाने का काम किया। जो गांव हमारे सड़कों से नहीं जुड़े थे उन सब गांव की सड़कें बनाने का काम किया। हमारे 2 CM राइज स्कूल 38 करोड़ की लागत से वो किया। 3 हमने नई नगर पंचायतें बनाने का काम किया, बांद्री, मालथौन और बरोदिया, और खुरई नगर पालिका का सीमा विस्तार किया। पूरे क्षेत्र में चाहे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, चाहे सांस्कृतिक पुनः स्थापना का विषय हो, चाहे पार्क बनाना हो, चाहे स्टेडियम बनाना हो, चाहे
जिम बनाना हो, चाहे ऑडिटोरियम बनाना हो, ये जितने भी विकास की चीज़ें थी वो सारे के सारे काम, लाइट की व्यवस्था, ओवरब्रिज हमारे यहाँ नहीं थे तो हमारे पूरे क्षेत्र में जितने भी रेलवे क्रॉसिंग थे सभी पर ओवरब्रिज स्वीकृत हो गए। चाहे हमारा खुरई से हम सागर जाएं तो जरुआ खेड़ा नरयावली का ओवरब्रिज हो गया, अगर हम बीना जाते हैं तो बीना का ओवरब्रिज हो गया, खुरई में हमारा किमलाजा रोड का ओवरब्रिज हो गया,